ओके हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट की थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट। यूनिट चल रही थी सेकंड, लेक्चर चल रहा था 12th, जिसके अंदर आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। देखिए, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात भी की हुई है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं जो जो मटेरियल आपने एग्जाम में लिखना है। आई थिंक आपका ये 3 मार्क्स वगैरह ना, ऐसे छोटे जो मार्क्स रहते हैं ना, कम मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ओके, तो प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह सबको कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर करेंगे, देन एटीपी का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, देन इसकी हाइड्रोलिसिस को देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद इसमें फ्री एनर्जी चेंजेस को समझेंगे कि कैसे फ्री एनर्जी चेंज रहता है, इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। एंड देन लास्टली एटीपी से हमको, भाई हमको पता है एटीपी हमारे क्या एनर्जी का सोर्स है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है बाय एटीपी, तो कैसे एनर्जी मिलती है उसके रीजंस को देखेंगे, कहां कहां ये एप्लीकेबल है इसे समझेंगे। तो इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहेगा, जैसे आप सुनते रहिएगा आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए, हमने क्या करना है, हमसे बोल रहा है कि जो आपका टॉपिक है इस पर बोल रहा है कि आप एटीपी का ना हाइड्रोलिसिस करो, मतलब एटीपी को आपने वाटर की हेल्प से तोड़ना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में बताइएगा कि भाई एटीपी होता क्या है, और आपको बता भी है एटीपी होता क्या है, पहले के लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। पहली बात आती है कि एटीपी किसके लिए स्टैंड करता है, तो ए मतलब होता है आपका एडेनोसिन, टी मतलब होता है आपका ट्राई, और पी मतलब होता है आपका फॉस्फेट, यानी कि एडेनोसिन के साथ आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, इसे हम बोलते हैं एटीपी। और एटीपी ही वो आपका कंपाउंड है जो कि हमारा एनर्जी की सोर्स या फिर एनर्जी करेंसी बोली जाती है ऑफ द सेल, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट इज सेल, और इस सेल के थ्रू, अब भाई मैंने आपको क्या बोला था पहले के लेक्चर में, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है हमारा सेल। अब सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, जो ये लिक्विड पार्ट होता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म को हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं। रिएक्शन सेंटर मतलब क्या हुआ, इसी में हमारी सारी रिएक्शन हो रही है, इस साइटोप्लाज्म में हमारी रिएक्शन हो रही है, और इसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी काम कर रही होती है। तो हमारी बॉडी को भाई एनर्जी जो मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, इसी एटीपी की वजह से मिल रहा है, इसी वजह से हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। हमारे सेल को या फिर हमको एनर्जी देने का काम यही एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करता है। ओके, दूसरी चीज, अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ना, एटीपी जैसे नाम से तो क्लियर हो रहा है, इसमें 3 फॉस्फेट है और एक एडेनोसिन है। अब ये एडेनोसिन होता क्या, देखो एडेनोसिन भी आपके 2 चीज से बना होता है, एक तो इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, बायो वालों को तो ऑब्वियसली बात है क्लियर ही हो रहा होगा, ये तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, डीएनए वगैरह जहां पढ़ते हैं, तो ये बोल रहे इसमें एडेनोसिन जो है वो 2 चीजों से बना हुआ है। देखो एडेनोसिन आपके 2 चीजों से बना होता है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और उस नाइट्रोजनस बेस को हम बोलते हैं एडेनिन। एडेनिन क्या है, एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस है। उसके साथ-साथ यहां पे एक सुगर भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेंटोस सुगर कह सकते हैं, यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड वाली सुगर, जिसका नाम क्या होता है, राइबोस। तो ये बोल रहा है जब आपके ये एडेनिन और राइबोस मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एडेनोसिन बनाते हैं, और जब ये एडेनोसिन 3 फॉस्फेट, देखो उसके बाद क्या लिखा है, 3 फॉस्फेट यूनिट। ओके, फिर ये आपका जब 3 फॉस्फेट यूनिट के साथ मिलता है तो ये बन जाता है ट्राइफॉस्फेट, तो ओवरऑल हमको मिल जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 कंपोनेंट से बना है, सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस जिसे हम बोलते हैं एडेनिन, दूसरा होता है हमारा सुगर जो है पेंटोस सुगर दैट इज राइबोस, और 3 हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एटीपी बनता है जो कि हमारी एनर्जी का करेंसी है। ओके, अभी बोल रहे ये एनर्जी से, भाई एटीपी से हमारी एनर्जी मिल रही है, हम लोग ये बोलते तो है, बट कैसे मिल रही है, भाई एटीपी में ऐसा क्या है जो इससे एनर्जी मिल रही है, तो इसके बहुत सारे रीजन है वो मैं नीचे बताऊंगी, लेकिन जो मेन रीजन है वो ये कि हमारा जो एटीपी होता है, अगर आप जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एटीपी के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 4 नेगेटिव का, यानी कि इसमें 4 नेगेटिव चार्ज एक साथ बैठे हैं, और ऑब्वियस सी बात है भाई ये चार्जेस अगर एक साथ बैठे हैं तो यहां पे रिपल्शन क्रिएट होगा, इस रिपल्शन की वजह से यहां पे बॉन्ड टूटने की कोशिश करता है। यहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप बैठे हैं ना, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, अब इनमें सब में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव सेम चार्ज तो रिपेल ही करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक बॉन्ड बहुत आसानी से, जो ये अगर ये फॉस्फेट फर्स्ट है, ये फॉस्फेट सेकंड है, ये फॉस्फेट थर्ड है, तीनों में नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, जो ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है ये इजिली टूट जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो इजिली टूट जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, और हमको पता
होता है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है, यही एनर्जी हमारा क्या बन रहा है, एनर्जी का सोर्स बन रहा है। इसी वजह से हमारा जो ये एटीपी है इससे हमें एनर्जी मिलती है, बिकॉज एटीपी में हमारे जो तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो तीनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, तीनों ही नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी जनरेट होती है, इसी एनर्जी की वजह से हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्फ कहते हैं। क्लियर हुआ, यही चीज यहाँ पर लिखा है। Energy is stored in a high energy bond between the phosphate group. Energy हमारी कहाँ stored है? और कहीं नहीं stored है, ये जो तीन phosphate हैं, इन्हीं में आपकी energy stored है, because ये ही bond टूट रहा है और यहीं से हमारी energy निकल रही है, तो ये points यहाँ पर लिखे हुए हैं। Done हो गया। अब आप इसका structure देख लीजिए। देखो आप इसका structure देखो, तो मैंने बोला हमारे पास कितने component होंगे, हमारे पास तीन component होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक होगा आपका adenine, ये है आपका एडिनिन। एडिनिन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। देखो दो चीज होती है हमारे पास, ठीक है, मतलब और भी होते हैं, उनको मत समझिए, बायो वाला पोर्शन है, खाली कंफ्यूज होंगे, आप सिर्फ एडिनिन को ध्यान में रखना। एडिनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक 6 मेंबर रिंग होती है, एक 5 मेंबर रिंग होती है, और नाइट्रोजन वगैरह कहाँ पर प्रेजेंट होता है सब कुछ ये आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे है ये आपका 9th नाइट्रोजन, आप काउंट कीजिएगा, ये आपका साइकिल में 9th पोजिशन में प्रेजेंट है। इस 9th नाइट्रोजन के साथ आपका दूसरी यूनिट जुड़ती है जो है हमारी सुगर की यूनिट, हमको इसे बोलते हैं पेंटोस राइबो सुगर, मतलब या फिर आप पेंटोस सुगर भी कह सकते हैं क्योंकि ये 5 कार्बन की सुगर होती है, या फिर आप इसे राइबो सुगर भी कह सकते हैं। तो ये राइबो सुगर की ये फर्स्ट पोजीशन होगी, तो इस कार्बन फर्स्ट के साथ ये अपना बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन 9 और कार्बन फर्स्ट के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है, और ये हमारी क्या बनती है आपकी राइबो सुगर। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, यहाँ पे आपका ये बॉन्ड बन रहा है, देखो ये पोर्शन में हाइड्रोजन है और इस पोजीशन के ऊपर आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नीचे हाइड्रोक्सी है तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी है ऊपर हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका राइबोस सुगर हो गया, और ये चीज ध्यान में रखना कि एडिनिन और राइबोस सुगर एक दूसरे के साथ कौन सी पोजिशन से जुड़े हैं, कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन 9। यहाँ पे जो लिंकेज है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सुगर के थ्रू जो लिंकेज बनता है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद एक और यूनिट है थर्ड वाली, वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से जुड़ी है, ये जो हमारी पांचवा कार्बन है इसके साथ जुड़ी है, यहाँ से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। देखिए एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ये है, एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ये है, एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ये है, तो ये तीन फॉस्फेट ग्रुप हमारे यहाँ पर को प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, तो ये आपने स्ट्रक्चर दिखाया। और यहाँ पे जो लिंकेज है, देखो जब आपका राइबोस सुगर एडिनिन के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ता है, जब राइबोस सुगर आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ता है, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको खुद से याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने समझा जरूर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे बॉन्ड टूट रहा है, वो सारी चीजें हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही है वो हम समझेंगे। देखो ना एक चीज और समझो, मैंने जैसे ही बोला यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं, अब ये बॉन्ड ना खुद से नहीं टूटते, हम लोग यहाँ पे वाटर की हेल्प लेते हैं, वाटर की हेल्प से यहाँ पर को हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड टूटता है और इसी की वजह से हमारी एटीपी के थ्रू एनर्जी जनरेट होता है, इसी वजह से बोल रहा है कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस करो। ओके, अब प्रॉपर हम हाइड्रोलिसिस पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले इसने डेफिनेशन दी है, भाई बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सबको पता है, ये बोला था एंजाइम तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप की एंजाइमेटिक क्लीविज है। एंजाइमेटिक क्लीविज मतलब यहाँ पे एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ये जो क्लीविज हो रही है, ये जो एटीपी में वाटर की हेल्प से क्लीविज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं एटीपीएस। क्या बोलते हैं? एटीपीएस एंजाइम बोलते हैं, वो चीज नीचे भी आएगी बट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एटीपीएस एंजाइम की बात ही कर रहा है। तो ये बोल रहा था एंजाइमेटिक क्लीविज, यानी कि ऐसा क्लीविज जहाँ पे एंजाइम का रोल हो, किसका? एटीपी का। जब आप एटीपी की एंजाइमेटिक क्लीविज कराते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ये बोल रहा है जब आप एटीपी में क्या करते हैं, वाटर की हेल्प से क्लीविज कराते हैं, जो कि एक एंजाइमेटिक क्लीविज है जहां पे आपका एंजाइम एटीपीएस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है आपके पास एटीपी है, और मैंने बोला एटीपी के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, चार्जेस वगैरह भी नीचे में आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी ना वहां आपको दिखा दूंगी कि चार्जेस कैसे आते हैं। तो याद रखना सबसे पहले एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्जेस की वजह से ही रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। इसमें के साथ आपने वाटर डाला, वाटर की हेल्प से यहां क्लीविज हुआ, क्लीविज के बाद आपको क्या मिलता है? एडीपी मिलता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब क्या हुआ? देखो मैंने बोला एक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा,
एक फॉस्फेट निकल जाएगा भाई, एक निकलेगा तो अब ट्राई के बदले क्या बचेगा, डाई बचेगा, तो एक फॉस्फेट निकला तो हमारा बच गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और डाइफॉस्फेट के ऊपर चार्ज होता है 3 नेगेटिव का, उसके साथ जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकला उसे हम आईपी से इंडिकेट करते हैं, आई स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक, पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, तो ये हमारा क्या होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। अब ये चार्जेस नीचे आएंगे भी और उसके साथ साथ हमारी क्या होगी एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी कैसे निकली आपको पता है, एटीपी से जब आपने बॉन्ड को तोड़ा तो आपकी एनर्जी निकली, इसे आप ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये रिएक्शन होती है प्रॉपर, ठीक है। अब यहां पे लिखा भी हुआ है, देखो ये बोल रहा है एडीपी मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, सिर्फ दो ही फॉस्फेट है बिकॉज़ एक फॉस्फेट तो निकल गया, ठीक है। और ये बोल रहा है पीआई मतलब क्या होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आपको बता ही दिया। और ये जो एनर्जी है भी कितने अमाउंट की एनर्जी निकली, हमने लास्ट के लेक्चर पे बहुत बार पढ़ लिया, यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो होती है -30.5 केसीएल पर मोल, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये वैल्यू पहले तो बात करूं नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन आपकी खुद से हो रही है, हमको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक कहते हैं। अब देखिए ये चीज मैं आपको वापस से रिपीट नहीं करा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम पुराने लेक्चर पे ये बात है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो रिपीट कराऊंगी तो ऑब्वियसली बात है जिसने पढ़ा है उसका टाइम वेस्ट ही होगा, आप पहले के लेक्चर्स भी देखिएगा ताकि आपको ये चीजें क्लियर आए, तो मैंने लास्ट के लेक्चर पे ये सारी चीजें बता रखी हैं आपको, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने जब आपकी एटीपी में से जो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ही वाला दिखाऊं, ये जो एटीपी है इसमें जो लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप है इस बॉन्ड को जब मैंने तोड़ा तो हमको पता है बॉन्ड को तोड़ने से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी रिलीज होने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला एडीपी, एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये ग्रुप मेरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो गया और ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली, और ये जो एनर्जी इसकी वैल्यू कितनी है -30.5 के किलो जूल पर मोल, ठीक है ये इसकी वैल्यू है। अब बात ये आती है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पहली पॉइंट तो ये इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन आपकी खुद से हो रही है, खुद से हो रही है मतलब आपने बाहर से एनर्जी नहीं दी है कि भाई रिएक्शन हो जा, रिएक्शन खुद से हुई और आप खुद ही देख रहे हैं, कोई आपने एनर्जी दी क्या रिएक्शन कराने के लिए, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपने कुछ बाहर से कोई एनर्जी दी क्या, बाहर से कोई इनपुट दिया कि नहीं दिया, आपकी रिएक्शन खुद ब खुद हुई, तो ऐसी रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और ये रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है और आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है इसे हम बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, अगर केमिस्ट्री के टर्म पर बोलते हैं तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और मैंने बोला था बायोलॉजी की रिएक्शन हम क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग इसे एक्सोथर्मिक के बजाय एक्सर्गोनिक कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी कैसी होती है एक्सर्गोनिक। अब ये ही पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले बोली, तो ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एटीपी सेपरेट वन ऑफ द 3 नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप, तो हमने बोला जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो एटीपी ने अपने 3 नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट में से एक को सेपरेट आउट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ दस रिलीव द सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ द एटीपी, इसकी वजह से क्या हुआ जो रिपल्शन हो रहा था ना 3 नेगेटिव, ये जो 4 नेगेटिव स्पीसीज है यार फिर आप बोल सकते हो 3 फॉस्फेट ग्रुप है उनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज के थ्रू रिपल्शन हो रहा था उसमें थोड़ा रिलीफ हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने जैसे बोला 4 नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में भाई इतना ज्यादा रिपल्शन है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, तभी ये बॉन्ड आपका टूटा, ठीक हो गया। अब टूट गया तो अब थोड़ा सा रिलीफ यहां पर को होगा, एंड क्या लिखा हुआ है एंड ड्यू टू होगा, ठीक है ड्यू टू द, ये ड्यू है ठीक है, एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, अब क्योंकि यहाँ पर को भाई इतना सारा रिपल्शन हो रहा है तो बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, तो बोल रहे ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो मैंने जैसे आपको बोला बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस वजह से हम इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है नेगेटिव, विच इज इक्वल टू, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू -30.5 केसीएल पर मोल, तो बस जो पुरानी बातें हैं उसी को बोला हुआ है दोबारा से, डन हो गया ना। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है ना, ये बोल रहा है फ्री एनर्जी चेंज इन एटीपी हाइड्रोलिसिस इज अ लार्ज एंड नेगेटिव, ये बोल रहा है जो फ्री एनर्जी चेंज है यानी कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है हमने साफ साफ देखी वो तो नेगेटिव ही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, दैट इज 30.5 किलो जूल पर मोल है, तो ये बोल रहा है ये एक बड़ी वैल्यू भी है और एक नेगेटिव वैल्यू भी है, तो ये इतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हमारी एटीपी हाइड्रोलिसिस की आई कैसे, इसको भी समझ लेते हैं भाई। इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ये बोल रहा है द चार्ज सेपरेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस relieve the electrostatic
कैटालिटिक रिपल्शन अमंग द फोर नाइट्रोजन फोर नेगेटिव चार्ज ऑन एटीपी। तो ये बोल रहा है जैसे हमको पता है कि एटीपी के ऊपर चार नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जैसे ही ये चार नेगेटिव चार्ज अगर एटीपी के ऊपर प्रेजेंट है तो वो एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट करेंगे, मतलब एक काइंड ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेंगे आपकी एटीपी में। और उसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है, आपका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब एटीपी का जो लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है, वो एटीपी से सेपरेट हो जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ये चीज लिखी है। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब ये बोले ये जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना ना, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना इसका क्या होगा, ये बोल रहा है इसका ना, इसको अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे क्या होता है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना। एक चीज आप मुझे बताइए, चलो एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरी एक रिएक्शन है, जैसे आप यही वाली रिएक्शन समझ लो, अगर मैंने बोला एक रिएक्शन है जिसमें एटीपी का हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो रिएक्शन है इसमें मेरे जो प्रोडक्ट बने हैं भाई, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब बहुत अच्छे खासे प्रोडक्ट बने और स्टेबल है, तो उस टाइम पे रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो हमको पता है भाई अगर हमको आगे बढ़ने से स्टेबिलिटी मिल रही है तो मेरी रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही मूव करेगी, मतलब मेरी एक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट मेरे ऐसे बन रहे हैं जो कि अच्छे खासे स्टेबल है, तो उस टाइम पे मेरी रिएक्शन, हर कोई स्टेबल होना चाहता है भाई, हम लोग भी अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी अपने प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये भी चाहते हैं कि हम एक स्टेबल कंपाउंड में स्टेबल कन्वर्ट हो जाएं। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों प्रोडक्ट आपके स्टेबल हो रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि रिएक्शन आपकी आगे को बढ़ रही है, और ऐसा ही यहां होता है। अभी आपको आगे समझ में आएगा। ये बोलता है कि हमारे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड जो हमारा एडीपी बना हुआ है, ये दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं, और इनकी स्टेबलाइजेशन की वजह से हमारे एटीपी का क्या होता है, बहुत आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और तभी हमको इतने ज्यादा अमाउंट की डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट हमको मिला है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये स्टेबलाइज हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है मैंने क्योंकि फॉस्फेट का ही ग्रुप का ही काम है, तो तीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, उसके साथ हमको पता है राइबोस सुगर लगी थी, उसके साथ एडेनिन लगा हुआ था, तो हमने जस्ट ऐसे इंडिकेट कर दिया, बाकी यहाँ पे हमारा काम है आपको भी पता है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी कि वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो होता क्या है आखिरी वाला फॉस्फेट ग्रुप टूटता है, तो देखो दिखाओगे तो आप ऐसे कि ये आपका वाटर है, ऑक्सीजन ने अप्रोच किया फॉस्फेट पे, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटा है यहाँ पे, बट एक्चुअल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे आसानी से कि हाइड्रोलिसिस अगर हम करा रहे हैं और आखिरी फॉस्फेट ग्रुप टूटना है तो हमारा क्या होगा, वो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है OH नेगेटिव, एक होता है H पॉजिटिव, ये तो दो पार्ट होते हैं, तो ये दोनों पार्ट को हम लोग डाल देते हैं। देखो ये नेगेटिव जाएगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव ही हुआ, फॉस्फेट इसके कंपेयर में पॉजिटिव हुआ, अगर मैं OH और H को डालूंगी तो कैसे डालूंगी, अपोजिट डालूंगी, मतलब ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव दूंगी, यानी कि H पॉजिटिव दूंगी, ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव दूंगी, OH नेगेटिव दूंगी, तो ऐसे अभी आपका वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से टूटेगा, तो मुझे क्या स्पीसीज मिली, देखो अगर आप इस साइड को देखोगे तो मुझे ये स्पीसीज मिली, ये है PN, इसके साथ डबल बॉन्ड में O है, एक साइड O नेगेटिव, यहाँ भी O नेगेटिव, एक साइड OH ग्रुप, तो देखो मुझे ये स्पीसीज मिल गई, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है ये ही हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मैंने वाटर की हेल्प से हाइड्रोलिसिस किया, तो देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया हाइड्रोलिसिस में आप सभी को पता है वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर के दो पार्ट होते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपने क्या करना होता है जिस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं उसके उसको क्या अपोजिट चार्ज स्पीसीज देनी होती है, जैसे यहाँ पर P और आप O यानी कि फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही जाएगा, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आओगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डालोगे, और ये बॉन्ड तोड़ना है तो मेरे पास क्या है हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो मैं इसे ऑक्सीजन नेगेटिव को दे दूंगी, फॉस्फोरस पॉजिटिव है तो इसको मैं OH नेगेटिव दे दूंगी, तो मेरी क्या स्पीसीज बनेगी, ये जो स्पीसीज बनी है यही मेरा क्या है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ओके। तो हमने क्या कहा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, और ये हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से हुआ है, रिपल्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भाई नेगेटिव चार्ज है, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारे में रिपल्शन हुआ, रिपल्शन की वजह से हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस की वजह से हमको ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। तो पहले हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पर फोकस करें, क्योंकि हमने बोला कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ है, ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल हो रहा है, स्टेबल क्यों हो रहा है बाय द रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो ये था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हमने ये दिखाया था, देखो दो ओ नेगेटिव वाली स्पीसीज है
और एक डबल बॉन्ड ओ और एक जगह आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आप देख रहे हैं, इसमें जो चार्ज है वो आपका टू नेगेटिव का है, और हमने भी ऊपर बोला था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कितना आता है, टू नेगेटिव, और टू नेगेटिव ही हमको ऑप्टेन हुआ। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, देखो चार्जेस भी बता रही हूँ, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसे तोड़ोगे तो हाइड्रोक्सी लग जाएगा। तो दो नेगेटिव चार्ज है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास टू नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इसमें क्या होगा, बोला रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस को इससे इंडिकेट करते हैं, आपको पता है रेजोनेंस कैसे हो रहा है भाई, हमको पता है रेजोनेंस होने के लिए यहाँ पे कंजुगेशन होना मस्ट है। तो अब साफ साफ देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर, हमने बोला था ना रेजोनेंस में कंजुगेशन मतलब कंजुगेशन, एक तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे होता है। एक आप इनके बदले गए नेगेटिव चार्ज को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर आपका नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंजुगेशन जैसा आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पूरे सिस्टम में मूव कर रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो कि हमको एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिल रहा है। तो ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ये आपका स्टेबलाइज करता है हमारे कंपाउंड को, और हमको पता है भाई ये चीज, तो हमको पता है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है। और ये चीज आपको ये चीज बोलना चाह रहा है कि हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल डबल नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रेजोनेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टेबिलाईज हो रहा है। और क्योंकि रेजोनेंस आपको पता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है हमको, ये चीजें तो पता ही है, बेंजीन आपका स्टेबल होता है अपने दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस बेंजीन में क्या होता है रेजोनेंस होता है, ये तो बेसिक बात है। तो ये बोल रहा है कि इस रेजोनेंस की वजह से हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टेबल हुआ है, और जैसे मैंने बोला कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और उतनी ही ज्यादा आपकी रिएक्शन आसानी से होगी। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस आसानी से इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज हो जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टेबलाइज किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है ना। अब ये बोल रहे जो प्रोडक्ट दूसरा है कौन सा है, एडीपी है, एडीपी भी तो बचा हमारा। ये बोल रहे एडीपी क्या होता है, इमीडिएटली आयनाइज हो जाता है, मतलब ये भी आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के बाद ये क्या करता है, रिलीज द प्रोटॉन इनटू अ वेरी लो एच पॉजिटिव आयन। तो इसे छोड़ो, पर इतना समझो कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये दूसरा जो प्रोडक्ट बना है एडीपी टू नेगेटिव, ये क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। अब इसका आयनाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए हमारा ना ये ग्रुप चला गया था यहाँ से, ऐसा समझो ये आपका चला गया, अब हमारे पास क्या बचा है, इसके पास OH बचा है, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज बची है ना, ये वाली जो बची है ये हमारी क्या बची है, एडीपी बची है, ठीक है। देखो नोट्स जो आपको मिलेंगे ना वहां पर ये चीजें प्रॉपर लिखी होंगी, अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो कचर पचर हो जा रहा है, तो प्लीज इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, अब देखो ये जो स्पीसीज बची है ये हमारी एडीपी बची है ना, अब देखो इसी को लिखा हुआ है, देखो ऊपर वाली चीज है, आप देख लो यहाँ पे OH है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, देखो OH डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ऊपर वाली चीज है ना पूरी ऊपर की कॉपी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एडीपी, और आप इसमें देखो टू नेगेटिव चार्ज है इनिशियली, क्योंकि एक यहाँ पे चार्ज है एक यहाँ पे एडीपी, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बचा है इसका आयनाइजेशन हो जाता है, यहाँ से आपका एच पॉजिटिव आयन चला जाता है, और ये आपके एक और नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और ये बन जाता है एडीपी थ्री नेगेटिव। तो ये चीज तो हमने बोली थी, देखो ये हमारा क्या था एडीपी थ्री नेगेटिव, तो इस वजह से क्या होता है ये भी स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब हमको एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है इसका, इसका मतलब ये निकल रहा है जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना हमारा फायदा है, क्योंकि रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी। देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है एडीपी हाइड्रोलिसिस द ग्रेटर डिग्री ऑफ अ सॉल्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी रिलेटिव टू द एटीपी, ये बोल रहा है ना। अगर आप सॉल्वेशन देखोगे, सॉल्वेशन मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल आपके अटैक कर रहे हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल आपके जुड़ रहे हैं, उसे हम सॉल्वेशन कहते हैं, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। तो ये बोल रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे एटीपी हाइड्रोलिसिस में, तो आपको पता चलेगा जो प्रोडक्ट आपके पास है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी, इनका सॉल्वेशन क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छे से हो रहा है एज कम्पेयर टू एटीपी, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंपेयर में प्रोडक्ट का सॉल्वेशन ज्यादा अच्छे से हो रहा है। अब प्रोडक्ट का सॉल्वेशन अच्छे से हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो बोल रहे विच फर्दर स्टेबलाइज द प्रोडक्ट, इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो वही बात तो होगी, प्रोडक्ट आपके ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं कंपेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिस वजह से क्या होगा रिलेटिव टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिलेटिव टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द लार्जर नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी एसोसिएटेड विद द एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे प्रोडक्ट अगर स्टेबल है, तो जिसकी वजह से हमारे जो फ्री एनर्जी चेंज है यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू वो हमारे लार्ज और नेगेटिव आ रही है। तो वही चीज आपसे बोला, तो मैं दोबारा
एक सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बोल देती हूँ कि जैसे हर कोई आपका अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, वैसे हमारी केमिस्ट्री में भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्रोडक्ट अगर कोई भी चीज एक्स वाई जेड स्टेबल है तो वो आपका क्या होगा, वही की हो। जैसे अगर मैं बोलूँ ए और बी है, आपकी ए और बी में बी आपका ज्यादा स्टेबल है, ए आपका कम स्टेबल है, तो रिएक्शन चाहेगी कि वो बी की ओर बढ़े क्योंकि बी में उसे स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर इसी का उल्टा हो गया, रिएक्शन मेरी ए से बी की ओर जा रही है लेकिन ए मेरा ज्यादा स्टेबल है और बी मेरा अनस्टेबल है, तो रिएक्शन आगे की ओर नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल की ओर नहीं जाती है, हमारी चीजें अनस्टेबल से स्टेबल की ओर आती है, तो रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाने का ट्राई करेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। ये पूरा जब आप एटीपी का हाइड्रोलिसिस देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि एटीपी का जो सॉल्वेशन है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कम है। अगर इसका सॉल्वेशन कम हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है इट मीन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ट्राई करेगी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, जिस वजह से ये जो हाइड्रोलिसिस है इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी की वैल्यू आ रही है यानी कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या हो रही है, लार्ज आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है और नेगेटिव आ रही है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज अमाउंट की एनर्जी तो रिलीज हो रही है, साथ ही साथ ये रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी कि खुद से हो रही है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस इतनी सी चीज आपने एडीपी हाइड्रोलिसिस के लिए लिखनी है। तो ये जो मैंने अभी मैकेनिज्म बताई है ये आपको इस कॉन्सेप्ट को भी समझा रही है, साथ ही साथ ये भी बता रही है कि भाई एटीपी का हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ। डन हो गया ना, प्रॉपर ऐसे लिखना है, नोट्स में आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी अगर यहाँ गचर पचर भी हो रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद लास्टली एक दो स्लाइड और बची, इसे भी सुन लीजिए। अब मैकेनिज्म में क्या लिखा है, मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, सुन लिया हमने, कर भी लिया। तो ये बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड विद द टर्मिनल, यानी कि जो हमारा लास्ट पोजिशन में थर्ड पोजिशन या फिर गामा पोजिशन में जो फॉस्फेट ग्रुप है एंड द सेकेंड यानी कि जो हमारे बीटा पोजिशन में फॉस्फेट ग्रुप है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसी वजह से हम इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और ये रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जैसे मैंने बोला, और एंजाइम कौन सा है, एटीपीएज हमारे पास एंजाइम है। जनरली हमारे जो कंपाउंड रिएक्टेड मॉलिक्यूल होता है उसके पीछे जब भी एज लग जाता है तो वही एंजाइम का काम करता है, तो रिएक्टेड मॉलिक्यूल यहाँ पे एटीपी है तो इसका एंजाइम क्या हो जाता है, एटीपी, फिर पीछे से एज लग जाएगा तो ये हमारे एंजाइम का नाम हो जाएगा। डन हुआ। आगे क्या लिखा है, वाई एटीपी हाइड्रोलिसिस रिलीज एनर्जी, वही बात है जैसे मैंने बोला कि भाई एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एनर्जी निकल रही है। इसका रीजन पहला तो हमने ये बोला था कि भाई यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और बॉन्ड के ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इस वजह से एटीपी से हमको एनर्जी मिल रही है। उसके अलावा दूसरी रीजन क्या है, पहला रीजन इसने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये बोला भाई यहाँ पे क्योंकि एटीपी में हमारे पास 4 नेगेटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और एनर्जी निकल रही है। तो ये चीज देखिए सुनिएगा, ये बोल रहे हैं हाई रिपल्शन बिटवीन द क्लोजली पैक्ड नेगेटिव चार्ज ऑन द फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका एक पहला रीजन ये है कि भाई हमारा जो एटीपी है उसमें 4 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप है और उनके बीच में क्या है जो कि एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड और सबके सब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्शन की वजह से ही आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है, पहला रीजन। दूसरा क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। ये बोल रहे हैं आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये आपके ज्यादा स्टेबल हैं, वही बात होगी, ये ज्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू योर रिएक्टेड मॉलिक्यूल जो है एटीपी, जिस वजह से क्या हो रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और आपकी बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है। थर्ड इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में बोल रहा है प्रोडक्ट आर स्टेबल स्टेबलाइज फर्दर बाय द इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट का स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। स्टेबलाइजेशन में यहाँ पर कोई सॉल्वेशन की बात कर रहा है, सॉल्वेशन मतलब वही हुआ ना जो आपको मैंने यहाँ पे बोला है, देखो सॉल्वेशन, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की बात की थी ना, यहाँ डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल उनसे कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन, कितने ज्यादा कर रहे हैं उसे हम डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। तो ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट है इसका सॉल्वेशन आपका ज्यादा हो रहा है, वहां पे आपके वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, स्टेबलाइजेशन ज्यादा है जिस वजह से हमारे हाइड्रोलिसिस में एनर्जी आपकी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो ये इसके रीजन आपने डाल दे रहे हैं। ऐसे आपका की एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो देखो इसको भी आप लास्टली एड कर सकते हैं, लास्ट में ये बोल रहा है कि आपका जो एटीपी हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो 3 पॉइंट है, तो सबसे पहला है मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो आप देख लीजिए भाई आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते
सकते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, मैं इतनी सारी चीजें लिख रही हूँ, तो ये किसकी वजह से लिख रही हूँ भाई? मैं अपने फिंगर्स को मसल्स, फिंगर्स में भी तो मसल्स है, वहां पे मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, एक टाइम पे रिलैक्स कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कर पा रही हूँ। तो ये बोल रहा है, जब आप देखो ना, आपने अगर ना पहले आप बायो के स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपने क्लासेस में, जब 11th 12th की क्लासेस में ये मसल्स वाले चैप्टर पर भी पढ़ा होगा कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर फिलामेंट की वजह से होता है, जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। इन दोनों का वहां पर बहुत ज्यादा रोल होता है, और ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो है वो वर्क करते हैं बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस। मतलब एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की स्लाइडिंग के लिए, ये एक थ्योरी भी है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थ्योरी, तो स्लाइडिंग थ्योरी। तो इनमें क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन जो दो फिलामेंट है, इनकी स्लाइडिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, उसी की वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। लेकिन इनकी जो स्लाइडिंग है वो डिपेंड किस पे करती है, हमारे एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस यहां भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से ही एक्टिन एंड मायोसिन की स्लाइडिंग होगी, उसी की वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पाएगी। अगला है एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बोल रहा है ड्राइव द आयरन पंप लाइक अ सोडियम पोटेशियम पंप। तो हमने सोडियम पोटेशियम पंप पे भी लेक्चर लिया था। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये भी क्या होता है, वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। मतलब इसको प्रोसीड कराने के लिए भी एटीपी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस जरूरी होती है। एंड द लास्ट वन इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये बोल रहा है एटीपी एक्ट एज अ सब्सट्रेट फॉर द काइनेज फॉर द फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फोराइलेशन के उस प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन, सिंपली आप बोल सकते हैं, वहां भी एज अ सब्सट्रेट की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो बस इतने से पॉइंट लिखना है, ये थोड़े याद करने वाले हैं, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप समझ गए होंगे तो ज्यादा दिक्कत तो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगी, लेकिन ये तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3 मार्क्स वगैरह, उसमें आपका ये बन सकता है। ओके, तो बस इतना था हमारा आज का लेक्चर, होप लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।